पेपर लीक पर मचे घमासान के बीच लोकसभा सत्र में भी इस मुद्दे की गूंज सुनाई दी। हुआ ये कि सोमवार को 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का आगाज हुआ। पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत नव निर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण हुआ। पहले दिन सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सत्ता पक्ष के सदस्यों ने शपथ लेना शुरू किया। इस दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सांसद के तौर पर शपथ लेने के लिए उठे। जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान शपथ लेने के लिए आगे बढ़े तो नीट नीट के नारों से सदन गूंज उठा। नमस्कार, मैं शेख जूही, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। दरअसल सबसे पहले पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण किया। इस दौरान सत्ता पक्ष के लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं। इस बीच जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शपथ के लिए उठे तो विपक्षी सदस्य एक्टिव हो गए। उन्होंने नीट पेपर लीक मामले को लेकर सदन में नारेबाजी करना शुरू कर दिया। उन्होंने नीट नीट के नारे लगाए। इस नारेबाजी के जरिए उन्होंने सीधा टारगेट शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को किया। देखिए वो वीडियो, किस तरह विपक्ष ने नीट नीट के नारे लगाकर धर्मेंद्र प्रधान पर जुबानी हमला किया। हालांकि विपक्षी नारेबाजी के बीच धर्मेंद्र प्रधान ने शपथ ग्रहण की, लेकिन इस नारेबाजी से विपक्ष ने जता दिया कि वो इस बार सरकार को किसी भी मुद्दे पर फ्री हैंड देने के मूड में नहीं है। बता दें, विपक्ष नीट पेपर धांधली में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर चुका है। विपक्ष पार्टी नीट यूजी एग्जाम 2024 रद्द करने की मांग कर रही है। इस बीच शिक्षा मंत्रालय की ओर से नीट यूजी 2024 एग्जाम में कथित गड़बड़ियों की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। जांच मिलने के तुरंत बाद एजेंसी कार्रवाई में जुट गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की शिकायत पर सीबीआई ने रविवार को एफआईआर दर्ज कर ली। जांच एजेंसी ने सीबीआई की अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। मामले की जांच के लिए सीबीआई ने स्पेशल टीम भी बनाई। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज। शुक्रिया।